नमस्कार, खबर हरियाणा प्रदेश की शान में आपका स्वागत पेश करते हैं। आज की खबर, बहादुरगढ़ शहर के पटेल नगर में एक ऐसा स्कूल भी है जो उन मंदबुद्धि बच्चों को अपने पास रखते हैं और उनको पढ़ाते हैं, साथ ही उनका मंदबुद्धि व दिवंगत बच्चों का पूरा ख्याल रखते हैं। स्कूल का नाम आशा किरण स्पेशल है, जिसकी संचालिका कुसुमलता कौशिक है। कौशिक ने बताया कि हम पिछले कई सालों से स्कूल को चला रहे हैं और अपनी पूरी मेहनत और लगन से काम करते हैं, मगर जैसे कि आपने देखा कि हरियाणा सरकार विकास के लाख दावे कर रही है, जहां बच्चों के बारे में भी बताया जा रहा है कि हम सरकार जो है बच्चों के बारे में रोज़ाना कुछ ना कुछ करती रहती है उनके सुविधाओं के बारे में। तो बहादुरगढ़ में एक ऐसा स्कूल भी है जहां सरकार की नज़र नहीं पड़ती और बार बार जो है यहाँ की संचालिका द्वारा तो बच्चे हैं वो केवल मंदबुद्धि नहीं, किसी भी कार्य करने में असमर्थ हैं, तो लगातार उनका स्टाफ उनको बच्चों को संभालने में भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि आप फुटेज में देख सकते हैं। एक बच्ची है 6 साल की जो है केथल से यहाँ तक बहादुरगढ़ तक का सफ़र उन्होंने तय किया। सरकार को यहाँ तक आने में क्या एक भी आश्रम उनको नज़र नहीं आया जो उस बच्ची को संभाल सके, और यहाँ की जो संचालिका है उनका साफ साफ ये कहना है कि सरकार कोई भी मदद नहीं कर रही है, हम उनसे खुद ही जानेंगे। तो चलते हैं उन मैडम के पास और उनसे जानेंगे कि क्या इस आश्रम को बने हुए कितना समय हो गया है और अब तक वो परमिशन क्यों नहीं मिल पा रही है। आप देख सकते हैं फुटेज में बच्चे किस प्रकार बता भी नहीं पाएंगे कि आपको जी बताएं मैडम, बताएं इस आश्रम को चलते हुए, ये आश्रम पिछले 3 साल से चल रहा है, 2015 से ये आश्रम रन में है और 2015 में जब हमने इस आश्रम को शुरू किया तो उससे पहले हमने DC ऑफिस में अप्लीकेशन लगाई थी कि इस आश्रम को जेज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किया जाए, लेकिन पिछले 3 साल से अब 6 महीने पहले इस आश्रम को एक अस्थाई प्रमाण पत्र दिया गया जेजे एक्ट का कि भी हम 6 महीने तक आपका वर्क देखेंगे आप कैसा कर रहे हैं। 6 महीने से वो लगातार कंटिन्यू की टीम आ रही है और डेली की डेली इनको अपडेट कर रही है। अब दिसंबर में हमारी जेजे एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल लगनी थी स्थाई प्रमाण पत्र के लिए, लेकिन किसी कारणवश हमारे जो मकान मालिक है जहाँ पे हमारा अनाथ आश्रम चल रहा था वो बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, इसके वजह में हमने एक दूसरी बिल्डिंग भी ले ली थी और जो जो उन्होंने कहा वो पूरी चीज़ें भी अच्छे फोल्डिंग होने चाहिए, बेड होने चाहिए, हमने पूरा पूरी कोशिश की है कि वो जो कुछ कह रहे हैं रजिस्टर वगैरह मेंटेन उनके पूरा किया है हमने, कोई भी काम ऐसा नहीं जो उन्होंने कहा और नहीं हुआ है, बट हमारी थोड़ी सी बिल्डिंग अधूरी रहती है। ऐसा तो नहीं कि वो बच्चे उस कच्ची बिल्डिंग में बैठे हों, बच्चों के लिए हमने दूसरी एक अच्छी बिल्डिंग ले रखी है, लेकिन वो कहते हैं कि उस बिल्डिंग में नहीं करेंगे, जब तक आपकी ये बिल्डिंग पूरी नहीं होगी हम आपकी फाइल को आगे नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने हमारी फाइल को दिसंबर में लगाना था लेकिन आज तक हमारी फाइल को आगे नहीं लगाया, कहीं पर भी नहीं लगाया, यानी कि DC के पास तक नहीं पहुँचाया है, वो अपने पास रखे हुए हैं उसको, और बार बार मेरी रिक्वेस्ट करने पर कि इन बच्चों के लिए कुछ किया जाए नहीं किया जा रहा, मैं कोई लेटर दे के आती हूँ उसको वहाँ से उठा के कहीं और फेंक देते हैं, DC मैम से मिलने जाते हैं वो नहीं मिलती, जबकि SDM सर भी यहाँ आए हैं, मैंने उनको भी बोला है कि सर फाइल को चलाया जाए ताकि इन बच्चों के लिए 2 रुपये आ सके, और कहीं पर भी ये पूरे हरियाणा का दूसरा CCI है, हरियाणा में और कोई CCI नहीं है, यहाँ पे जब भी बच्चा कहीं भी जैसे अभी केथल से 6 महीने पहले केथल से आई हुई है एक जो कि बिल्कुल जिंदा लाश कह सकते हैं उस बच्ची को, हमारे जो स्पेशल लाइन होती है उसमें हम उसको प्रोफाइंड बोलते हैं, यानी कि बिल्कुल 0 कैटेगरी की बच्ची है जिसको अगर एक बूंद पानी पिलाना पड़ता है वो भी दूसरे के द्वारा ही पिलाया जाता है, बिठाना उठाना पड़ता है दूसरा बंदा ही उठाता है, यानी कि वो अपना एक हाथ तक भी नहीं ला पाती, उसके हर छोटे छोटे काम दूसरा बंदा करता है, और वो क्या जितने भी यहाँ बच्चे हैं अनाथ आश्रम में सभी को छोटे छोटे कार्यों के लिए दूसरों की सहायता की ज़रूरत होती है। क्या यहाँ जब आपके द्वारा ये बच्चे जो संभाले जा रहे हैं ऐसे खुले में कैसे संभाल लेते हैं आप? सर एक्चुअली अभी वहाँ जो हमने दूसरी बिल्डिंग ली है उसमें इतना स्पेस नहीं है कि ट्राई साइकिल वगैरह हम सब कुछ ले जा सके, और जैसा कि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो ये बच्चे धूप में बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं, और जैसे गर्मी आएंगी अब तो क्या दिक्कतें बनेंगी, क्या परेशानी आएंगी? नहीं, गर्मी में तो ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी सर, बिल्डिंग हमारी और एक हफ्ते में रेडी हो जाएगी तो हम बिल्डिंग के अंदर चले जाएंगे। खर्चा आप उठा रहे हैं सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद मिल पा रही है अभी इस समय? नहीं सर, सरकार से आज तक हमें एक पैसे का भी किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली है। बहादुरगढ़ के राजनेता कोई आया हूँ यहाँ पर? आप सभी राजनेता आए हुए हैं सर, जब भी हम कोई भी छोटे से छोटा फंक्शन करते हैं
तो कोई भी पॉलिटिशियन लोग ऐसा नहीं जो यहाँ इस स्कूल से वाकिफ ना हो, लेकिन कोई भी आता तो 11,000 रुपये 10,000 रुपये उसमें क्या होता सर, एक स्टाफ की सैलरी तक नहीं दी जाती महीने की। बच्चों को संभालने में क्या क्या परेशानी आपको आती है? बहुत सारी परेशानी आती हैं सर, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि 20 बच्चे हैं इस आश्रम में, वैसे तो सरकार की नॉलेज में तो यहाँ 8 ही बच्चे हैं, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ डे बोर्डिंग रहते हैं जिसके माँ बाप बहुत ही गरीब हैं, जो फैक्ट्रियों में नौकरी करने जा रहे हैं, जो उन बच्चों को नहीं संभाल पाते वो यहाँ छोड़ जाते हैं। मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ, मैं इन बच्चों को हैंडल करती हूँ, और भी स्पेशल एजुकेटर जो इन बच्चों को एज ए ट्यूशन के जरिए इनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा आती हैं सर, क्योंकि एक टीचर को जो सैलरी पे होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। हम यहाँ एक बंदे से 12 घंटे वर्क लेते हैं और वो पैसा नहीं दे पा रहे जो उनको मिलना चाहिए, तो बंदा कितने दिन यहाँ काम करेगा? तो यहाँ स्टाफ नहीं रुकता, बड़े बड़े बच्चे हैं, इनको ये नहीं पता, खड़े खड़े लैट्रिन कर देते हैं, बाथरूम कर देते हैं, तो वो काम करने के लिए हर कोई तो एग्री नहीं होता। बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उनसे ये काम नहीं हो पाता और उसके अवेज में उसको वो सैलरी भी नहीं मिल पाती। हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं क्योंकि कुछ समाज सेवी लोग और ये संस्था जुट के एक पिछले 7 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट इस स्कूल को भी रन कर रही है, तो बहुत सारे खर्चे हैं इन बच्चों के जो इस संस्था को करने पड़ते हैं। कुछ समाज सेवी लोगों से हम एज ए डोनेशन रिक्वेस्ट करके दान रसीद काट के इस स्कूल को चला रहे हैं, क्योंकि एक नॉर्मल बच्चे के लिए भी पेरेंट्स जब 10 रुपये निकालता है तो वो सोचता है, इन बच्चों के लिए माँ बाप की सोच है कि ये जिंदा लाश है, इनके लिए हमें कुछ नहीं करना, ये समाज में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सर। इस संस्था ने बेड़ा उठाया है कि ये बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं और इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा में आने का अधिकार है, समाज की मुख्य धारा में लाने का कार्य ये संस्था कर रही है। हरियाणा सरकार से आप क्या अपील करते हैं, क्या सहयोग चाहते हैं? जी, हरियाणा सरकार से मैं अपील करती हूँ, एक तो सर इन दिव्यांग बच्चों की सभी की पेंशन बनाई जाए ताकि माँ बाप को भी थोड़ा सा संतोष मिले कि यार 10 रुपये इस बच्चे को मिल रहे हैं, तो कम से कम अगर मैं कहीं भेज रहा हूँ तो हमें अपनी जेब से नहीं निकालने पड़ रही। दूसरा सर, ये जो अनाथ आश्रम चल रहा है, इन बच्चों के अनाथ बच्चों के लिए एक छत का प्रबंध किया जाए। तो ये थी आशा किरण के संचालिका, जिसका सीधा सीधा कहना था कि हरियाणा सरकार इनके लिए कुछ नहीं कर रही है। खबर हरियाणा प्रदेश के साथ में बस इतनी।